हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव का समास सिद्धि इति हरि। इसका लौकिक विग्रह होगा हरि शब्दश प्रकाशः। लौकिक विग्रह होगा इसका हरि गशि इति। तो अलौकिक विग्रह से ही समास किया जाता है। तो आगे चलते हैं, हरि गसि इति। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव आदि से समास हुआ। समास होने पर फिर हरि गसि इति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी इति की उपसर्जन संज्ञा होगी। हेलो, इति की उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम से इति का पूर्व में प्रयोग होगा। इति हरि दसि। फिर इति हरि दश का कृतद्वित समासाश सूत्र से प्रातिपदिक बना हुआ है। बना होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप का लुक प्राप्त हुआ। लुक का मतलब लोक प्राप्त हुआ। इति हरि गस, गस को काट देंगे, फिर बचा इति हरि। फिर एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से अभी प्रातिपदिक बना हुआ है। प्रातिपदिक बना होने पर द्या प्रातिपदिकयो प्रत्यय परस्य सूत्र से सु अजस की उत्पत्ति। फिर इति हरि सुमना। फिर अव्ययी भावस्य सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा होने पर इति हरि सु ही बना रहेगा। फिर अव्यादाप सुपा से सुप का लुक होने पर इति हरि सु का लोप हो जाएगा। फिर बचा इति हरि। फिर अव्ययी भावाश दो चार अठारह से नपुंसक लिंग होकर इति हरि रूप सिद्ध हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट